क्या आपने कभी खाई है 500 रुपए की दाबेली? टाइटल पर कह रहे हो 500 रुपए की स्पेशल दाबेली यूट्यूब स्पेशल क्रिएटर कैंप है आज ग्रैंड हायत मुंबई के अंदर, और मैक्सिमम जो आपने दाबेली खा रखी होगी वो होगी 30 रुपए की या 15 रुपए की भी मिल जाती है गुजरात और महाराष्ट्र में, लेकिन क्या आपने कभी खाई है 500 रुपए की दाबेली? अरे 500 रुपए की दाबेली हो आप एक बार हिसाब लगाओ कितनी दाबेली आप जहाँ से आप खाते हो वहाँ से 500 रुपए में कितनी दाबेली आ जाती है, एंड हम भी देखते हैं 500 रुपए की दाबेली क्या है। काफ़ी लोगों की शिकायत ये रहती है कि हम मेन्यू नहीं दिखाते, तो काफ़ी लोगों की शिकायत ये रहती है कि प्राइजेस नहीं दिखाते, शायद हम लोग यू नो आपको दिखा दो ये प्राइजेस है, आप देख सकते हो पॉज करके सारे प्राइजेस पढ़ सकते हो आप। इस पर भी टैक्सेस लगेगी 18% प्लस 5%, तो इस पर आप 23% ऐड कर देना तो वो फाइनल प्राइस निकलता है। ये इनका टेम्प्रेरी मेन्यू है, फेस्टिवल चल रहा है, इनका मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में भी देखिए क्या महंगी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, तो लोकल स्ट्रीट फूड में दे सेलिंग वड़ा पाव 450 रुपये, जो राउंड अबाउट वही 600 रुपये का पड़ता है आपको, 500 रुपये का पड़ता है। एंड एक है आपका मिसल पाव, तो मिसल पाव भी जो है आपका ऑलमोस्ट 500 रुपये का। तो वेट करते हैं अपने दाबेली की, वो देखते हैं कि कैसे आती है और क्या टेस्ट है उसका एक्चुअल में जेन्युइन। तो ये दाबेली हमारी टोटल प्राइस है 530 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो एक दाबेली कितने की हुई, एक दाबेली होगी आपकी 265 रुपीज़ की, 265 रुपीज़ की एक सिंगल दाबेली, और दो आती है 530 रुपये की। मुझे वैसे बन की क्वालिटी अच्छी लग रही है, मतलब यूजली मैंने देखा है कि जो पाव होता है, मैं इसको बन बोल रहा हूँ सॉरी, पाव जो होता है यूजली फाइव स्टार होटल वाले कोई ऐसा पाव वाली चीज़ बनाते हैं ना वो बन में बनाते हैं, और वो ना मज़ा सारा किरकिरा कर देते हैं। उनका जो फेस्टिवल है वो खाऊ गली वाला है, तो खोल के दिखाते हैं अंदर क्या इन्होंने तामझाम डाल रखा है। देखो ये अनार, ओहो ये इन्होंने कुछ मेरे ख्याल से पाइनएप्पल डाल रखा है, ये जो अपना लहर नमकीन मिलता है उसके ये जो हम चकना बना के खाते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ और रेडबुल के साथ वो है, इसमें कुछ कोरिएंडर है, एंड ये दाबेली का जो आपका आलू का मिक्स करके मसालों में मिक्सर चालू करते हैं। तो फर्स्ट बाइट लेते हैं, लेट्स सी कैसा है ये। पाव की क्वालिटी बिल्कुल सड़क छाप है, मतलब अच्छी है, मतलब सड़क छाप का मतलब ये नहीं कि गंदी क्वालिटी है, लेकिन जैसे स्ट्रीट फूड मिलता है ना एकदम बढ़िया वैसी क्वालिटी है, बन नहीं है ये पाव ही है। जो पाइनएप्पल डाला है उन्होंने एक अलग से सारी स्वीटनेस दे रहे हैं इसको, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मुझको तो ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड मेरी तरफ से 10/10 रेटिंग है। अभी मेरे साथ सार्थक है, इज मराठी एंड महाराष्ट्र से है, देखो तो एक्सपीरियंस कम है, डाबेली मैंने 5 बार खा रखा था, ये रेगुलर खाता है, तो मैं देखते हैं मेरी जो मतलब हम नए हैं डाबेली खाने में, जो पुराने वाले वो क्या रेटिंग में चेंजिंग बताते हैं। मैं इसको फिनिश करता हूँ फिर मैं कैमरा लूँगा और सार्थक से पूछेंगे, वैल्यू फॉर मनी तो तेरी होती नहीं तो बोलने का फायदा नहीं कुछ। एम्बियंस वाइज गुड, लॉन्च काफ़ी बढ़िया बना रखा है, एंड हाइजीन ही होता भाई साहब, तो 10/10 रेटिंग फॉर मी। अभी सार्थक खा के बताएगा तो मैं इसको फिनिश करता हूँ पहले। अच्छा तो अब सार्थक खा के देख रहा है, एंड सार्थक PhD करके दाबेली वड़ा पाव पाव भाजी सब मुंबई स्पेशल, काफ़ी स्वीट है, काफ़ी स्वीट है, मतलब यूजली इतना स्वीट होता नहीं, नहीं होता। अच्छा मतलब जैन दाबेली वाला फीलिंग आ रहा है, जैन दाबेली वाला फीलिंग आ रहा है। अच्छा जैन दाबेली वाला फील आ रहा है। यूजुअली कैसा रहता है जो स्वीट दाबेली रहता है ना, दैट्स लाइक वेरी तीखा एंड स्वीट एट द सेम टाइम। अच्छा मतलब मिक्सर होता है, मिक्सर होता है स्वीट एंड तीखा एट द सेम टाइम। हाँ ये सिर्फ स्वीट है, ये सिर्फ स्वीट है तीखा नहीं। हाँ यूजुअली जो जैन दाबेली होता है ना वो स्वीट रहता है। ओके इसमें ऑनियन नहीं है। अच्छा इसमें ऑनियन नहीं है, दाबेली में ऑनियन रहता है। अच्छा सेव अच्छा है, मतलब इन्होंने जैन के हिसाब से बनाया है। हाँ पाव थोड़ा स्ट्रीट से बेटर है। ओके पाव थोड़ा स्ट्रीट से बेटर, स्ट्रीट से बेटर है, सॉफ्ट है। अच्छा अच्छा बाकी तो लाइक इफ आई वुड कंपेयर द टू देन इट वुड बी लाइक आई वुड स्टिल प्रेफर द स्ट्रीट वन, स्टिल बेटर। सो हाउ मच रेटिंग वुड यू गिव टू दिस? 18-20 का फर्क है।
18-20 का फर्क है. हाँ, यू विल गिव अराउंड 7 और 8. दिस आई वुड रेट अराउंड 6.5. 6.5 बिकॉज वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है. नहीं, वैल्यू फॉर मनी नहीं छोड़ना, तेरी में वैल्यू नहीं. थिंक यू आर अमानी. अच्छा, वैसे रेटिंग देगा तुम अमानी है. अच्छा, अमानी जैसे रेटिंग. अच्छा, तुम अमानी. अम्बानी अगर मैं है तो लाइक आई वुड गिव दिस 7. 7 ना? हाँ, 7. अच्छा, मतलब तुम होटल खरीद सकता है. हाँ, अम्बानी है. हाँ, जे पण मुंबईचे पब्लिक HMM मध्ये बघत आहेत ह्यांना महाराष्ट्रीयन सबस्क्रायबरची गरज आहे. प्लीज लाइक शेअर अँड सबस्क्राईब.